कहा जा रहा है कि ओखला से आप विधायक है अमनतुल्लाह खान आप विधायक के घर सर्च वारंट लेकर ईडी की टीम पहुंची है। अमनतुल्लाह खान ने ईडी की टीम को घर में घुसने नहीं दिया क्योंकि ईडी के साथ लोकल पुलिस की टीम रही है। अमनतुल्लाह खान के घर लोकल पुलिस को बुलाया गया है तो अमानतुल्लाह के घर पर देखिए ईडी ने दस्तक दी है। कहा जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान ने ईडी के टीम को घर में घुसने नहीं दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं क्योंकि ईडी के साथ लोकल पुलिस की टीम नहीं है। ईडी के लोग मुझे अरेस्ट करने आए हैं। अमानतुल्लाह खान की तरफ से देखिए ये कहा गया है सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने आए हैं। मुझे ही नहीं मेरी पूरी पार्टी को तंग किया जा रहा है। अमानतुल्लाह की तरफ से देखिए ये कहा गया है मुझे पूरा यकीन है हमें कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। तो सीबीआई ने खुद कहा है कि कोई भ्रष्टाचार या लेन देन नहीं हुआ है। अमानतुल्लाह ने देखिए ये कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे मैं शर्मिंदा रहूं। 22 में एसीबी ने मेरे यहाँ सर्च वारंट किया मुझे गिरफ्तार किया जिसमें मैं 10 दिन के अंदर मुझे जो है जमानत हो गई। अब इसी मसले में ईडी ने पिछले साल 10 अक्टूबर को मेरे यहाँ सर्च की है। अब ये मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ मैंने पूछा भी अभी इनसे ईडी वालों से कि भाई अब आप क्या सर्च करने के लिए आए हैं फर्जी मुकदमा मुझ पर ये लगाते जा रहे हैं एक के बाद एक और इसी ईडी वाले केस में तो ऑलरेडी सीबीआई से मैं जमानत पर हूँ एसीबी से मैं जमानत पर हूँ चार्जशीट सबमिट सीबीआई में हो गई और उसमें कहीं भी नहीं है खुद एसीबी वालों सीबीआई वालों ने कहा कि हमारे को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो। भले ही सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बार बार लताड़ मिल रही है भले ही उनको बार बार चेताया जा रहा है कि आप दुर्भावना से जांच मत कीजिए और सिर्फ जेल में रखना आपका उद्देश्य है बावजूद इसके आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। इससे हमारा मनोबल कहीं गिरने वाला नहीं है उनसे लड़ेंगे और तुमको हराएंगे।